हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबक एग्जाम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। और अभी हम लोग, मैं कहीं जा रही हूँ भाई के साथ। कहाँ जा रहे हैं अम्मी? नानी और सब बहनें वो फिर से आ रहे हैं, भाभी भाई आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो आप लोग बहुत मिस कर रहे थे ना सारा को, नानी को, खाला को। हाँ। तो वो अभी आ रही हैं। हम लोग को जाना था लेकिन फिर पापा की तबीयत की वजह से हम नहीं जा पाए। बहुत बार हमारे प्लान बने फिर कैंसिल हो गए, लेकिन अभी वो लोग आ रहे हैं तो अभी हम लोग उनको स्टेशन लेने जा रहे थे। और अभी खबर आई कि रास्ते में भाई की बेटी अभी दूध खत्म हो गया है तो रो रही है, तो जल्दी से लेके भेज। तो वो इतना ज्यादा रो रही है कि हम इतना भी नहीं वेट कर सकते कि वो घर आ जाए। तो हमें स्टेशन से घर आने में 2 घंटे लगेगा, तब तक वो हमें से रास्ते में दूध दे देंगे तो वो पी लेगी। और छोटी सी है, पहली, हम बहुत एक्साइटेड है छोटे बच्चे को खिलाने के लिए, क्योंकि बहुत वक्त से फैमिली में कोई छोटा बच्चा नहीं था। तो आपको उसको भी ब्लॉग में दिखाएंगे। अभी मैं जाती हूँ, भाई ने नीचे कार निकाल ली है, तो अभी हम फिर आके मिलते हैं आपसे। एकदम ठीक। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अर्पी कैसा लग रहा है? अच्छा मम्मा, अस्सलाम वालेकुम। नींद लेती है, नींद आया है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं घर और आपने देखा कि मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ। बेमौसम की बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश तो अल्लाह की रहमत होती है तो बारिश में खुश होना चाहिए, लेकिन बहुत ठंड लग रही थी। तो अभी मैं अपना नाइट सूट पहन लेती हूँ और फिर हम आराम से सबके साथ बैठ के बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ये अपना नाइट सूट पहन लिया है, सबसे कंफर्टेबल इसी में ही लगता है। और अभी मैं कोकोनट ऑयल से जो मैंने हल्का सा टिंट लगाया था वो मैं निकाल रही हूँ। वैसे अब मैंने सोचा जब मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं तो अपना नाइट स्किन केयर रेजीम भी पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद बैठ के सबके साथ मस्ती करेंगे और बातें करेंगे। तो अगर हम अपनी स्किन से मेकअप निकालते हैं, वो सारी चीज़ें निकालते हैं, फेस वॉश करते हैं, अपना पूरा नाइट केयर स्किन केयर रेजीम पूरा करते हैं, लेकिन उसके पहले मतलब हमें अपने लिप्स पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लिप्स पे अगर हम लिपस्टिक लगी छोड़ देते हैं या फिर टिंट लगाते हैं वो लगा छोड़ देते हैं तो उससे हमारे लिप्स भी डार्क हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं ये कॉटन के पैड पे कोकोनट ऑयल से अच्छे से ये निकालूंगी, उसके बाद हम अपना स्किन केयर रेजीम पूरा करेंगे। तो अभी जो है जो लिप्स पे लगाया था वो अच्छे से रिमूव कर लिया है, मेकअप ज़्यादा लगाया ही नहीं था, सिर्फ बाहर जैसे नॉर्मल जाने की क्रीम लगाई थी। तो अभी मैं अपना जल्दी से फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें लगाएंगे। अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है मामा अर्थ के विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश से, उसके बाद मैं लगाऊंगी टोनर,
उसके बाद मैं लगाऊंगी सीरम और उसके बाद लगाऊंगी मैं अपना फेवरेट विटामिन सी स्लीपिंग मास्क। ये जो मामा अर्थ का विटामिन सी नाइट रेंज है ना, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि आपको पता ही है मुझे विटामिन सी बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि विटामिन सी के बहुत ही सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये एंटी एजिंग होता है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हमारी स्किन को इवन करता है और साथ साथ हमें एक ब्राइटनिंग सा लुक देता है। फ्रेंड्स अभी बारी आती है मेरे फेवरेट विटामिन सी स्लीपिंग मास्क लगाने की। फ्रेंड्स ये मास्क है ना हमारी स्किन को एक जब आप सुबह सो के उठते हो ना इतना प्यारा सा ग्लो देता है। हमारी स्किन में जो अनइवन स्किन टोन हो जाती है, जो पिगमेंटेशन हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं या फेस से जो चमक चली जाती है उसे वापस लाएगा, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये मास्क बना है विटामिन सी से और एलोवेरा जेल से, विटामिन सी आपको पता है उसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे एजिंग के साइंस को कम करेंगी, साथ साथ हमारी स्किन को इवन बनाएंगी और हाइड्रेट भी। और फ्रेंड्स एलोवेरा भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ साथ हमारी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देगा, सॉफ्ट रखेगा और इनफ्लेम्ड सनबर्न और सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड्स ये मास्क को लगा के ना स्किन को इतनी राहत मिलती है, इतना अच्छा लगता है, बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है, साथ साथ फ्रेंड्स ये सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है और आप जब सुबह उठेंगे तो आपके फेस को बहुत ही प्यारा सा ग्लो भी देता है। तो फ्रेंड्स मेरा नाइट स्किन केयर रेजिम तो पूरा हो गया है और आपको ये भी बताना था कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स है ना फ्रेंड्स वो केमिकल फ्री है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना था कि जो मामा अर्थ की गुडनेस है वो उनके प्रोडक्ट्स में ही नहीं उनकी वैल्यूज में भी है। तो आप जब भी उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं फ्रेंड्स तो वो आपका ऑर्डर वो एक अपनी वेबसाइट पे एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया होता है, तो अपनी ऑर्डर आईडी के साथ आप वो ट्री के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स साथ साथ मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव भी है, तो वो जितने भी प्लास्टिक करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो रिसाइकिल भी करते हैं और अब मामा अर्थ हर महीने 120 मेट्रिक टन प्लास्टिक रिसाइकिल करता है। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं तो आप मामा अर्थ की साइट पे जाके या अमेजोन से या नाइका से परचेज कर सकते हैं और अगर आप मामा अर्थ की साइट पे जाएंगे तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं जो कि है सबा 2021, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। बाबू तुमने तो हमला कर दिया एकदम। नहीं नहीं एक भी नहीं। वाह बेटा वाह, ये ले लो। अच्छा देखो अम्मी ये नहीं, अम्मी तो ऐसे खाने में बिजी। अम्मी दिखाओ क्या क्या है, अम्मी की फेवरेट चीजें आ गई है। क्या है अम्मी, देखो इसको तो सबसे खेलना है। कुर्मे बनाए मछली खस्ते, ये मामी बना के लाई है। थैंक यू। ये देखो अम्मी इसको सब कुछ चाहिए। कितना शोर हो रहा है, ब्लॉक जो देखेगा ना ध्यान तो उसके कान में ना क्या हो जाएगा, कान में क्या हो जाएगा, कान बंद हो जाएगा, मतलब पूरा कान की उसकी हालत खराब हो जाएगी, कान फट जाएंगे। सोच रही कैसे लोग हैं। अच्छा तुम क्या लाई हो, देखो कितनी सारी चीजें, डोरा खारे सुपारी। मतलब फ्रेंड्स आप देखो भोपाल से क्या स्पेशल आया, मैं आपको दिखाती हूँ। भोपाल से सब कुछ जो आया वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। भोपाल से ये नाड़े ये अम्मी ने स्पेशल भोपाल से नाड़े मंगाए। अम्मी बताओ नाड़े खाना ये क्यों लाई हो। क्योंकि अम्मी को कहीं के कमरबंद पसंद नहीं आते, वो यही सबसे पहला काम छोड़ के कहती है ये लेके दे मुझे लेके आ जाना। बताओ तो मतलब भोपाल के ये फेमस है, ये आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे, तो आप जब भोपाल जाए तो ये जरूर ले। अम्मी थोड़ा हमें भी दे देना। और ये जो सेब है ये भी भोपाल से आए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। और ये आपको केक याद होंगे, ये केक भी सारा लेके आई है भोपाल से। तुमने भी खस्ते बनाया है। आहा
ऊपर चल रहा है। तो ये खस्ते नादर खाना ने बनाया है, ये वाले मामी लेके आई है इतना सारा मीठा मीठा। देख, 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 हमें पेड़ मिल गए थे। अच्छा ये देखो, अब वो खट्टे मीठे वाले पेड़ कहाँ से लाई थी? छोड़ो पीछे से, कहाँ से, कौन से बाजार से? कच्ची छोले से। जो भोपाल के लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं तो आप बताइए, आप कैची छोला जानते हो या नहीं जानते हो? तो ये देखो भोपाल के कैची छोले की चीज भी यहाँ पे आ गई है। और ये आई है मौदा से लैया पट्टी, ये भी तो दिखा दो। ये मौदा से आए हैं पेड़े। बेटी का किसके पेड़े हैं बता दे? अच्छा नहीं, किसके? किस्नु बाबा के। किस्नु बाबा के पेड़े हैं, फेमस है। हाँ, तो कौन है वो? किस्नु बाबा खत्म हो गया है। अच्छा, हाँ, उस कलर का बेचता है। अच्छा, तो ये मौदहा के बहुत फेमस पेड़े हैं, तो ये भी आए हैं। बस ये किसके लिए आया है? अम्मी, आपको यहाँ पे कोई हेयर कलर नहीं मिलता? हम शुरू से बरगंडी लगाते रहे ना भोपाल। बरगंडी तो कलर है अम्मी, कंपनी का नाम है मूव स्टार। जल 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 लो, बनायो लो, ले लो बाबू, ले लो, शर्माओ नहीं, उठाओ, लो ले लो, शर्माओ नहीं, खूब खाओ, यहाँ से मोटे होके जाना। और अभी ये फ्रेंड्स रात के पता नहीं 2 या 3 कितने बज चुके हैं, सब बैठ के बातें कर रहे हैं। जब भी ऐसे मामू लोग आते हैं तो रात रात भर तक बातें करते हैं, बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए होती हैं, अल्लाह से रिलेटेड, दुनियादारी से रिलेटेड वो कर रहे हैं। और साथ साथ मुझे रिज़ा का प्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा कम्प्लीट करना था, तो मैं वो भी करती जा रही हूँ। तो उस बारे में कुछ सर्च करना था, वैसे वो कर लेती है लेकिन थोड़ा सा हेल्प करना होता है। फिर मामू ने सोचा वो फजर पढ़ के सोएं, तो वो बीच में उनको नींद ही आ गई है। और अब हम यहाँ पे सुबह 6 बजे सोने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अभी हो गई है सुबह। गुड मॉर्निंग, देखो अभी देखो कौन आया, शेर आया, शेर, ये लो, क्या हुआ? क्या हुआ यार, साथ फ्रेंड्स तबीयत खराब हो गई, जबकि कल हम इन्हें ऑटो में भी लेके आए, फिर भी। तो अभी जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर सबको हंसाओ जैसे पहले हंसाती थी। ज्यादा खा लिया है क्या अम्मी? जब मौदहा से आई तो कबाब पूरी रोटी, फिर भोपाल से आई तो आलू मटर की सब्जी रोटी, और फिर यहाँ आई तो चिकन और रोटी, नूडल्स नहीं, क्या नूडल्स, नूडल्स, नूडल्स नहीं, बोलो नू, नूडल्स, डल, हाँ बोलो बोलो मिला के, नूडल, नूडल्स, नूडल्स, वैसे ही बनेगा। तो सब खा लियो, इतना कोई खाएगा रुमाली रोटी? जब इतना कोई खाएगा तो कहाँ जाएगा रात में, और खा के सो गए। सब तो चली फिरी नहीं, तो रात में जब इतना लेट आए लोग 11:30 पे, और फिर सो गए, तो थोड़ा सा हो गया। आज बिल्कुल सादा खाना खाओ, खूब सारा पानी पियो, एकदम फिट हो जाओ। और आप सुबह सुबह से क्या खा रही हो? हमारे यहाँ बोलते हैं बिरवा, यहाँ बोलते होले, होला ना, हाँ होला, हमारे यहाँ बिरवा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो मिलते नहीं है मौदहा में, वैसे मिलते हैं जिसकी पत्तियाँ भी इसके साथ लगी होती है ना, वो जो झाड़ होता जड़ से उखाड़ के, तो वो नहीं मिल रहे थे, तो फिर ये लेके आए ना, तोड़ के लाए, वो नहीं मिल रहे थे, नहीं वो सूख जाते, नहीं आ रहे, नहीं नहीं बिरवा आ रहे थे, बिरवा लेके तो तोड़ा आए। अच्छा, तोड़ा कैसे लेके आते? हाँ रास्ते में कैसे लाते हैं? हम खाने को तो मिल गए, हमारी तमन्ना पूरी हो गई। ए गुड्डा, कितना सारा काजल, हाँ इतना सारा काजल किसने लगा दिया? इतना सारा काजल किसने लगाया बाबू को? अपने पापा को देख के हंस रही है। अच्छा अच्छा, गए पापा, गए पापा, गए पापा। नया नोट, और मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? 500 तो। अच्छा ठीक है, आज ना बैडमिंटन टूर्नामेंट होने वाला है, जब मैं कहूंगा मुझे घुमाने वाले चलेगा? ठीक है, ठीक है, रेहान को लगता है कि वो बहुत अच्छा खेलता है, बच्चों कह रहे हैं कि क्या मैच हराऊंगा, और खालू कह रहे हैं कि वो सबको हराएंगे, देखते हैं, वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। जज्बा दिखाऊंगा अपना,
अच्छा मुझे पता मेरे से ज्यादा अच्छे लोग पढ़े हुए लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। अभी से हार मान ली? नहीं मैंने नहीं मानी हार। ऐसे चेहरे का क्या बन जाना मेरे लिए चेहरे का। और क्या करूंगी मैं? और डांस करना चाहिए। तो रेहान का चेयर गर्ल कौन बनना चाहता है? तो और मैं तो खेलूंगी। तो मैं खेलूंगी। मैं नहीं अच्छा वो प्लेयर है। तुम रेहान की चेयर गर्ल बनोगी? रेहान चलो इनाया तुम्हारी चेयर। पापा भी खेल रहे हैं। पापा की साइड और रेहान के साइड। जल्दी बताओ पापा की शेप तो बन गई थी फ्रेंड्स लेकिन उनको अपने ये मूछो का शेप नहीं अच्छा लग रहा था तो वो भाई से बोल रहे हैं कि मुझे छोटा करके दो तो भाई वो ही कर रहे हैं। तो आप इनको इन खालों से तो मिल चुके हो बच्चों से भी कल मिल चुके हो। ये दूसरे मामू हैं ये भी आए हुए हैं तो इनसे भी मिल लीजिए। वालेकुम सलाम कह दो। और ये इनका बेटा है अरबाज। और ये जारा है। हाय बोलो जारा। बहुत शर्माती है लेकिन बहुत ही प्यारी है। तो बस हमने सोचा इसको भी आपसे मिला दें। ये मौदा में रहती है लेकिन अभी ये लोग मुंबई आए हुए हैं ना। ऐसी किचन में आ गए हैं और आज किचन की आज बहुत बुरी हालत है क्योंकि अभी कल ही आए हैं और इतना सारा काम ऊपर से ये बेटी का बीमार पड़ गई और नाजा घर पे सारा काम आ गया है ना। हाँ बोल तो आज आवाज नहीं निकल रही। बता दो क्या बताया। मम्मी ने बताया कि कितना खाया उन्होंने। ट्रेन में इतना खाया ये उल्टी शुरू हो गई। और मोशन भी चालू हो गए रोटी भी हो गई तो अभी खैर सब लोग आए हुए हैं तो लोग चाय बना रही है तो हम इनके साथ खा रहे हैं। क्या लाए हो खाने को? गुलाब जामुन समोसे ढोकला और पाव। तुम नहीं खाओगी ना अभी जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तब तुमको हम खिलाएंगी ठीक है? क्योंकि ये मेरे हाथ में तो ये एक्स्ट्रा लार्ज दिखा रहे हैं। देखो अरे चिपक गई। भाई बुलाओ कटर को। करण देख कौन है मेरी गोद में। करण देख कौन है मेरी गोद में। आज तुम्हें बड़ा लाड आ रहा है नहीं आता। मैं जा रही हूँ इसको लेके। मैं इसे घूमी कराने जा रही हूँ तुम्हें नहीं लेके जाऊंगी ठीक है। मैं इसे घूम ओले ओले कटर के लिए भी अब एक एक चीज एक्स्ट्रा आएगी कुछ भी आएगा तो कटर के लिए भी एक गद्दा आना चाहिए भाभी। अभी भाभी कटर के लिए भी लाओ। अरे तुम्हारे तो आ गया वो प्रूफ से तुम्हें तो कोलैबोरेशन करवाने का। तुम्हारा तो आ गया गद्दा। आज हाथों कड़ी का टेंट बनाएंगे। वो देखो वो देख हां जी इतनी हो मां को लाइक ना मैं मम्मी को देख रही है आपको इनाया। एक खोल के दिखा ना सारा खोल सारा खोल देखो बचपन में इनको पहनाए कि नहीं पहनाए। ये तो घर पे बना के पहनाते थे ना ये उस हाथ से लेते हैं। हाँ ये हाथ में हाँ कपड़े से लेते हैं। अच्छे मुलायम भी है ना। हाँ अच्छे बस इसको अभी रात में ना पानी में भिगो के लेकिन तुम लोगों को ऐसे नहीं निकल जाएगा। किसी ने मिले घर के ऐसे तुम्हें करीब नहीं मिले। किसने सिल के दिए थे? दादी दादी ने। अरे बाप